जन्मभूमि की यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माता बहनों को, सबको नमन इसलिए करता हूँ कि आपने मेरा इतनी अच्छी तरीके से साथ दिया। निश्चित रूप से ये ऋण आप लोगों का मैं जीवन में उतारूंगा, ये बात आप लोगों को रही बात हारने की जीतने की, तो वो मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी स्पष्ट कर दिया है, परिस्थितियों ने भी स्पष्ट कर दिया है। ये चुनाव ना तो कुमारपुरा के लोगों की कमी से आ रहे हैं, ना किसी जनता खेतड़ी की किसी भी गांव की कमी से चुनाव नहीं आ रहे हैं। ये बात मैं अपने राम रहीम को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ आपको, ये चुनाव आप नहीं आ रहे, ये चुनाव आप नहीं आ रहे, ये चुनाव सिर्फ मेरी किस्मत आ रही है। इस बात को मैं सार्वजनिक रूप से नहीं, आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया, जो मेरा हौसला बढ़ाया, और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे हारने के बाद आप इस जोश से और डिग जी के आगे बजा के आप लोग फूल मालाओं से और फूलों से स्वागत करोगे। शायद ये राजस्थान का पहला उदाहरण होगा इस खेतड़ी की में, जो आप लोगों ने प्रस्तुत किया है कि हारने के बाद इतनी संख्या में और इतने उत्साह से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो बातें हैं जो निवेदन करना चाहता हूँ। ये जो ऊर्जा और हिम्मत आप लोगों ने दी है ना, निश्चित रूप से एक दो चार दिन में वो हमारा भी जो एक नर्वस हो गए थे, थोड़े हताश हो गए थे, इस तरीके से आप लोग सहयोग करोगे, आश्वासन दोगे और हिम्मत बंधाओगे, तो दो चार दिन में आपको वो कहो धर्मपाल तैयार मिलेगा जैसा कि जरूर है। संघर्ष थोड़ा लंबा हो जाता है जब कई बातें दिमाग किसी जनता के साथ कर दिया, भगवान के साथ कर दिया, इसलिए सब फेस होती है, वो भी सब लोग अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएंगे, हम दोबारा क्षेत्र में चलेंगे और पूरी शक्ति के साथ दोबारा आगे का मिशन लेके, टारगेट 2023 लेके उसमें अपन लोग चलेंगे। निश्चित रूप से आप आश्वस्त रहो, मैं इतना ही कह सकता हूँ आपको कि आप लोगों ने कहीं अगर दिल में ये बात बिठा ली कि हमारा उम्मीदवार हार गया, तो हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है नौजवानों आपसे विशेष करके, आप निश्चिंत हो जाइए, वो संसद में पहुंच गया लेकिन आपका भाई सड़क पे उससे भारी है। आप लोगों को आप लोगों की मजबूती चाहिए और एक आवाज पे खड़े होने की शक्ति चाहिए, आप निश्चिंत रहो। मैं ये नहीं कहता कि गंगा जमुना ला दूंगा, मैं ये कहता हूँ खेतड़ी का कोई काम, तहसील का, थाने का, कहीं कचहरी का, पानी का, बिजली का, कोई भी काम हो, आप निश्चिंत हो के मेरे पास आए, इनकी हिम्मत नहीं है यहाँ जो धर्मपाल का काम और आपका काम जो है। खेतड़ी में मुझे काम कराना आता है, हार के भी काम कराना आता है, जीत के अपना अधिकार से हो जाता है, अब संघर्ष करने से होगा, लड़ाई करने से होगा, झगड़ा करने से होगा, अगले अफसर के ऊपर चढ़ने से होगा, इस तरीके से आपको कहीं को जाने नहीं होगी। पर रही बात ये कि जो विकास अपन सरकारी पैसे से करा सकते थे वो व्यवस्था आपने नहीं बैठी, वो व्यवस्थाएं आगे आप लोग साथ रहोगे तो वो दिन नहीं आएगा, निश्चित रूप से आप एक बार में गाँव का दाने का सब लोगों ने जिन्होंने अपनी शुभ कमाई में से आज मुझे 2 रुपये भी दिए, ये 21,000 आज मेरी परिस्थिति में मेरे 21 लाख के बराबर काम आए, ये मेरे ऊपर कर्ज है, ऋण है, और मैं ऐसे आदमी की औलाद हूँ जो ऋण लेके नहीं जाऊँगा, आपका उतार के जाऊँगा जीवन में। मुझे मौका मिला तो ये मैं आपका ब्याज समेत उतारूंगा, जो मेरी इस कठिन परिस्थिति में जो भी बंधु मदद कर रहे हैं तहसील में, उसके लिए मैं एक एक आदमी की बात नोटिस करता हूँ, दिल और दिमाग में रखता हूँ, ये कर्ज मैं एक सच्चे और अच्छे आदमी की तरह, मजबूत आदमी की तरह आपको ब्याज समय लौटा के जाऊँगा, इतना आप लोगों को विश्वास करना। देवनगर की नई डाणी के अंदर 1,05,000 रुपये उन्होंने छोटी सी डाणी में उगा के दिए, तो मैं सोचता हूँ कि कितनी पीड़ा है लोगों के दिल में, कितना दर्द है, मैं तो समझ रहा था मेरा ही दर्द ज़्यादा है, मैं देख रहा हूँ, दो दिन से मैं तो आज ही आया हूँ, जयपुर चला गया था, मैं देख रहा हूँ मेरे से ज़्यादा दुखी है नौजवान, ये डीजी तो इसलिए बजा रहे हैं कि मेरा दुख कम हो जाए, मैं समझता हूँ आपके दिल में कितनी पीड़ा है, आपके दिल में कितना दुख है, लोग रोए हैं रात को, पूरी पूरी रात रोए हैं लोग, मुझे पता है जबरदस्त
की तबीयत इतनी खराब होगी अगर उनको एडमिट कराना पड़ा आपको मिलना पड़ेगा। मैंने जाके देखा तो दो तीन नहीं मुझे 10 लोगों को रजाई में से निकालना पड़ा रही मतलब मैंने आपको बता दूंगा। और आपको मैं जो बता रहा हूँ ना राजनीतिक भाषा में पहले भी नहीं बोली हार गया तो भी नहीं बोलूँगा। वाकई मैंने बजनाड़ा गांव का उदाहरण बताता हूँ कोपर के पास ही है बजनाड़ा। वहाँ 10 लोगों को जो रजाई ओढ़ के सो रहे थे और जो बीमार हो रहे थे इंजेक्शन लग रहे थे उनको मैंने निकाला। उनका हिम्मत उतारो आप कमजोर आदमी के साथ नहीं हो आप एक मजबूत आदमी के साथ हो आप हिम्मत से कई लोगों का संघर्ष जीवन में लंबा हो जाता है कई लोगों को हंसते हंसते खेलते खेलते सीख मिल जाती है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों के दिलों में जो जगह है ना उसका तो मैं सम्मान करता हूँ। और मैं तो एक बात पहले भी कहता था और अभी भी कह रहा हूँ कि मतलब नेता वो नहीं होता जो कुर्सी पर राज करता है नेता वो होता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। ये नौजवान भाइयों का भाई माताओं का ये पुत्र लोगों के दिलों में है और एक दिन आपके दिल की तमन्ना मन की तमन्ना पूरी होगी। हम संघर्ष करेंगे जीवन में जितना संघर्ष करना पड़ेगा करेंगे। और इतनी घटनाएं दुर्घटनाएं बचपन से देख के मैं तो खुद अभी चुनाव के बाद मान गया कि अब मैं बजरगा हो गया मेरे किसी चीज़ का असर नहीं। मैंने मन को भी मना लिया और दिमाग को भी मना लिया दिल को भी मना लिया मैंने और जो अब भगवान करेगा वो करेगा। मैं मेरी करने में कमी नहीं छोड़ूंगा दिन रात संघर्ष करूंगा। जितना पहले अफसोस होता था इस बार मैंने बिल्कुल दिल में दिलो दिमाग से अपने निश्चित कर लिया कि जो ईश्वर ने करना है वो तो करेगा ही अपना अपन क्यों घबराए। तो आप लोगों को निश्चिंत रहना है आप मेरे लायक कोई भी काम फोन करो आप आओ मुझे बुलाओ आपको कहीं